बीजेपी को वोट देने को राक्षस बताने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है। परिवाद में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506, 153 ए के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था, जो बीजेपी समर्थक हैं वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। अब यह बयान देना सुरजेवाला को महंगा पड़ गया। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इंदौर की जिला अदालत में इस बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 15 सितंबर तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता गोविंद सिंह बेस, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी हूं, भाजपा विधि प्रकोष्ठ में। आज माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक हरियाणा में एक बयान दिया था, जिसमें देश के सम्मानित मतदाताओं को उन्होंने राक्षस जैसे शब्दों से संबोधित कर सार्वजनिक मंच से अपमानित किया था। उसी विषय को लेकर आज न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है। ये जो हमने परिवाद प्रस्तुत किया था वो परिवाद माननीय न्यायालय ने आज स्वीकार किया है और पुलिस थाना एमजी रोड को निर्देशित किया है कि 15 सितंबर तक वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। याचिका के माध्यम से क्या आपने उसमें मांग की? हमने जो मांग की है, जिस तरह से इन्होंने एक ये बयान दिया था जिसमें देश के सम्मानित मतदाताओं को और भाजपा को समर्थन करने वाले समर्थकों को लेकर इनका जो राक्षस था और मैं श्राप देता हूँ कि राक्षस प्रवृत्ति के, तो उनके इस तरह के बयान से देश में एक अशांति का माहौल फैलता है और जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया तो लोग उनको अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहे हैं, तो उनको इसी वक्तव्य को लेकर उनके यथा योग्य भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इसी को लेकर हम आज परिवाद हमने प्रस्तुत किया है, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने निर्देशित भी किया है थाना को प्रतिवेदन देने के लिए। जी आज ही लगाइए। कौन कौन सी धाराओं में आपने केस दर्ज करने की मांग की? इसको 290, 506, 504, 505 और 153 है अशांति फैलाने की धाराओं में सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और देश में अशांति लोक शांति व्यवस्था को भंग करने की धाराओं में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में ये परिवाद प्रस्तुत किया है। अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के लिए राक्षस का बयान गले की फांस बनता नजर आ रहा है। चांद सी सुंदरता के साथ चांदी का सिक्का बिल्कुल फ्री, आज ही खरीदे शाइन विद एस के प्रोडक्ट। पूरी तरह से ऑर्गेनिक और त्वचा व बालों के लिए वरदान है शाइन विद एस।